Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे ये पन्ना किसने फाड़ा? क्या कहा? ये कैलेंडर का पन्ना किसने फाड़ा? मैंने। तूने? तूने क्यों फाड़ा? क्यों, महीना खत्म हुआ था तो फाड़ना ही था। पर तेरा हाथ कैसा पहुंचा वहां तक? मैं स्टूल पे चढ़ गई थी। तू स्टूल पे चढ़ गई थी? अरे कहीं गिर गई होती तो। मैं पूछता हूं, ऐसा कौन सा काम अटका था तेरा जो स्टूल पे चढ़ के पन्ना फाड़ा? एक पांव तो पहले से ही सायटिका से जकड़ा हुआ है, दूसरा भी किसी दिन स्टूल पर से गिर के तुड़वाएगी तू। फिर बैठी रहना, मंदिर की मूरत बनी। अब टूटना होगा तो कैसे भी टूट जाएगा। आपका घुटना टूटा था तो अब स्टूल पर चढ़ गए थे क्या? बाथरूम में फिसले और टूट गए? यही खराब आदत है तेरी, हर बात में बहस दलील शुरू कर देगी, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बात जरूर कहेगी। पुरानी आदत है ना तेरी। बूढ़ी हो गई पर अभी तक गई नहीं, पूरा बोलिए ना। ए, मैंने तुझे बूढ़ी नहीं कहा है। कह लो तो भी क्या होता है। लेकिन मैंने नहीं कहा है भाई, उल्टा तू ही मेरे घुटने का मजाक उड़ाती रहती है। मैंने कब मजाक उड़ाया? उड़ाया कैसे नहीं, जब मेरे घुटने पर स्टेनलेस स्टील की कटोरी लगी तो तूने नहीं कहा था कि कटोरी घुटने पे क्यों लगाई, दाल छोकने के काम आती है? मैंने कब कहा? कहा था, मुझे याद है। अब हंसती है। कहा होगा कोई एक बार मजाक में, लेकिन उसके बाद फिर कभी नहीं कहा। उल्टे आप हमेशा मुझे बूढ़ी बूढ़ी कहते रहते हैं। तो इसमें झूठ क्या है, बूढ़ी है ही तू। और आप बूढ़े नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ ये घुटना मेरा टूट गया है जरा, वरना मेरा बिगड़ा ही क्या है अभी। ठहरी ठहरी मैं देखती हूँ, माधो आया होगा। के दिनों में जब मैं हॉस्टल में रहता था तो ऐसी झाड़ू लगाया करता था अपने कमरे में। लेकिन कितने कितने दिनों बाद। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाएगा तुझसे, पुरानी आदत है ना तेरी। अरे आज गुरुवार है ना? क्या कहा? नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं।
ये आप क्या कर रहे हैं? घड़ी को चाबी देनी है। स्टूल पे मत चढ़ी, मैं देती हूँ चाबी। तू स्टूल पे चढ़ेगी? क्यों, पहले कभी चढ़ी नहीं क्या? और मैंने जैसे जिंदगी भर स्टूल पे पाँव ही नहीं धरा है। हाँ, घर में माचिस खत्म हो जाए और कहो कि जरा ला दीजिएगा तो कहेंगे पाँव दुखता है, जीना चढ़ा उतरा नहीं जाता, स्टूल पे चढ़ेंगे। आदत डालनी चाहिए धीरे धीरे। अगर यही सोचता रहूंगा कि घुटना दुखता है तो फिर स्टूल पे चढ़ ही नहीं सकूंगा। लेकिन जरूरत क्या है तुम्हें स्टूल पे चढ़ने की? मैं देती हूँ ना चाबी। नहीं, आज चाबी मैं दूंगा। अब बच्चों की तरह इस उम्र में जिद मत किया करो। मैं कुछ नहीं जानता, चाबी आज मैं दूंगा। अब देखो आके बीच में टपक पड़ता है। साले को किसने कहा था चाबी देने को? चलो अच्छा ही हुआ, चाबी तो दे दे। कैलेंडर का पन्ना तुम फाड़ो, चाबी ये दे दे, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही क्या है, बस आराम से बैठे रहा कीजिए। अरे दिन भर बैठे बैठे करूं क्या, वक्त कैसे कटेगा? नहीं, मैं आराम से नहीं बैठूंगा। हाँ, आप ऐसा कीजिए, ये बालकनी के पौधे है ना, उनको पानी डालिए। पौधों में पानी नहीं डाला उसने अभी तक। वेरी गुड, मैं अभी जाके डालता हूं। मैं कह देता हूं, इस उल्लू के पट्टे का रोग मैं नहीं चलने दूंगा इस घर में। हाँ। किसका? ये साले माधो का। अगर गुस्सा आया ना तो उसका सर फोड़ के रखूंगा मैं। हाँ। साले ने मेरे हाथ से लोटा भी छीन लिया। अच्छा ही किया, आपके आराम के लिए सब कुछ कर रहा है ना। अरे नहीं चाहिए ऐसा आराम मुझे। हाँ। और तू हंसा मत कर, उल्टी खोपड़ी। अच्छी धूप खिली है तो ऐसा करते हैं, सभी रेशमी साड़ियों को धूप दिखाते हैं। मैं साड़ियों को धूप दिखाऊं तो क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? अरे भाई, मैं रेलवे में क्लास 1 ऑडिटर था, मैं साड़ियों को धूप दिखाऊं? छोड़िए, मैं धूप में डाल देती हूँ। ये साड़ी याद है, आप ही लाए थे? मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, आप कहाँ लाए थे? ये तो मेरे पीहर से आई हुई है। हाँ, पीहर से आई थी। पीहर से सिर्फ तू आई थी और कुछ नहीं आया था। कहती है पीहर से आई थी। 125 की लाए थे ना?
उस जमाने के 125 आज के 125 नहीं याद है उसी साल तो दिनू का जन्म हुआ था हाँ सब याद है ये साड़ी भी मैं लाया था ये साड़ी नहीं है ओढ़नी है हाँ वही और ये साड़ी तो मैंने अब तक नहीं पहनी सोचा दिनू की बहू पहनेगी हाँ दिनू की बहू ऐसे पुराने फैशन के कपड़े पहनेगी क्यों नहीं पहनेगी इस बार दिनू को यहाँ आने दो उसे शादी करनी ही पड़ेगी इस घर में बहू की बहुत जरूरत है मेरे बाल धोने को बाल सुलझाने को इस उम्र में ये सब मुझसे नहीं होता है अब हाँ होगा भी कैसे मैं जो नजर आता हूँ किस लिए तेरे बाल धोने को तेरे बाल सुलझाने को एक बार गलती से बालों को क्या साबुन लगा दिया तो उसी बात को गाते रहेंगे जन्म भर गाते रहेंगे एक ही बात की ऐसी रट लगाएंगे तो मेरा तो सर दुखने लगेगा तो फिर क्या हुआ मैं हूं ना तेल मलने के लिए अच्छा तो अब ताने देने लगे लड़के का ब्याह रचा लेने दो फिर देख लेना अरे पहले दिनू को अमेरिका से वापस तो आ जाने दो आ जाएगा आखिर कब तक वहां बैठा रहेगा 8 साल हो गए 8 सालों में तो उसने सूरत तक नहीं दिखाई आ ही जाएगा आ? सारी उम्र वहां थोड़ी बैठा रहेगा हमारी उम्र बीतने पर आ गया तो आया ही क्या आप ऐसी उल्टी सीधी बातें मत कीजिए वहां रखा ही क्या है वहां है कौन उसकी देखभाल करने वाला ये तो वो ही बता सकेगा लेकिन पिछले 8 सालों से उसकी देखभाल वहां हो ही रही है इस सब की जिम्मेदार आप ही है तू ये दोष हमेशा मेरे सर पे क्यों थोपती है क्यों ना थोपू आपने उसे परदेश भेजा पर मैंने उसने ये तो नहीं कहा था कि वहीं जाके बस जाए लेकिन भेजने की जरूरत ही क्या थी डॉक्टर बन गया था यहाँ काफी नहीं था वहां की पढ़ाई में ऐसे कौन से लाल लगे हैं अरे मैंने ऐसा क्या बुरा किया अब चुप भी रही है अच्छी भली नौकरी मिल गई थी यहाँ वो छुड़वा दी और उसे इतनी दूर भेज दिया अरे उसी का भला तो सोचा था कि वहां से पढ़कर लौट आएगा तो उसे और अच्छी नौकरी मिल जाएगी और कार खरीदेगा और बंगला खरीदेगा इस और ने जो पास था वो भी दूर कर दिया इस चाह का कोई अंत नहीं इंसान बस भागता रहे अब पैसा तो कमा रहा है पर और पैसा और पैसा और पैसा पैसे से क्या कोई खुशियां खरीदी जा सकती है अरे खुश तो है ही राम जाने वहां शादी भी कर बैठा हो ऐसे अशुभ बात मत बोलिए अरे शादी करना अशुभ है क्या शादी करना तो शुभ होता है पर वो यहाँ आकर करे तो हाँ। वहां की लड़की के साथ हमारा निभाह कैसे होगा मेरी बहू मेरे पोते पोती सब हमारे खानदान के ही लगने चाहिए ये आदमी मस्त है काम करना और पेट भरना इसके अलावा इसके जी को और कोई जंजाल ही नहीं उसके जंजाल अब जल्दी शुरू होने वाले हैं है? वो बाप बनने वाला है अच्छा बड़ी जल्दी की पट्टे ने आपने जल्दी में कौन सी कमी की थी 7 साल बाद दीनू हुआ था और तू कह रही है मुझे जल्दी थी जल्दी तो तुझी को थी इसीलिए तो कभी पूजा कभी उपवास कभी मन्नतें मांगती फिरती थी मन्नतें मांगकर ही सही दो लड़के तो दिए खूब दो लड़के दिए एक बैठा है अमेरिका में और दूसरा फौज में आज कश्मीर तो कल असम आज कम से कम अपनी मालू होती तो हमारे साथ तो रहती नंदू के ऊपर से जल्दी आई और जल्दी जल्दी चली गई बेटों से ज्यादा ख्याल बेटियां ही रखती हैं। खैर मर्जी भगवान की आप आज ही दिनों को खत लिख दीजिए क्या लिखूं? लिखिए कि एकदम चला नहीं चाहिए हमें तेरे अमेरिका की नौकरी क्या करना है इतने पैसों का यहां जो मिलेगा काफी होगा तू हमारे आंखों के सामने तो रहेगा अरे ये बात तो कई बार लिख चुका हूं मैं उसको
फोन पे तो मैं हमेशा उसको कहता हूं कि तू लौट आ, पर उसका एक ही जवाब है। हिंदुस्तान में रखा क्या है, वहां आकर खाऊंगा क्या पत्थर? हाँ, पत्थर ही खा लेना। हम हिंदुस्तान में पत्थर खाकर ही गुजारा कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग पत्थर ही खाते रहे हैं, बल्कि हम खुद ही पत्थर हैं। हमसे आकर अपना सर क्यों फोड़ेगा तू? मामी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुझे हमारे दुख समझ में नहीं आते। आपके दुख कैसे नहीं समझता, पर कौन से दुख हैं जो पैसे से दूर नहीं हो सकते? आप जितने कहें उतने पैसे मैं भेज दूंगा। पैसा पैसा पैसा, भाड़ में जाए पैसा। खूब सुन ली उसकी, लिख दीजिए। अब एक न सुनेंगे, फौरन आ जाना, उसकी शादी करनी है। नंदू की शादी भी उसी के साथ करेंगे। तुझे तो बस शादी की पड़ी है। हाँ, तभी तो घर भरा भरा सा लगेगा। बहुओं के जापे, पोते पोतियों की खेल खिलवाड़, उन्हें कौवे चिड़ियों की कहानियां सुनाना। आजकल कौवे चिड़ियों की कहानियां भी न जाने कहां खो गए। एक खाली घर खाने को दौड़ता है, वक्त काटे नहीं कटता। मैं आपके मुंह की तरफ देखती रहती हूँ, आप मेरे मुंह की तरफ। वही दाल चावल पकाना, पेट भरना जरूरी है, इसलिए खा ले। ये चाहिए वो चाहिए कहने वाला यहाँ है ही नहीं कोई। वो नंदू तो कम से कम यहाँ रहता, यहाँ नौकरी करता, हमारे पास रहता। फौज में दाखिल हुआ देश की सेवा करने के लिए, और यहाँ बूढ़े माँ बाप की सेवा करने के लिए कोई नहीं है। बच्चे हमारी क्या फिक्र करेंगे, हमें फिक्र लगी रहती है दिन रात बच्चों की। दो दो बच्चे पर सुख एक से भी नहीं। किसका होना है इस वक्त? अरे शायद दीनू का होगा, मैं देखता हूँ। हेलो मोनिका, है क्या? मोनिका, ओ ओ ओ मोनिका, है है है। कौन मोनिका? रॉन्ग नंबर है, जरा मजाक करते हैं। तुम कौन? मैं शर्मिला। शर्मिला शर्मिला टैगोर? टैगोर नहीं, दीक्षित, शर्मिला दीक्षित। ओ ओ शर्मिला दीक्षित। कौन है? एक लड़की है। आप क्या बात कर रहे हैं, जान न पहचान। आप वहाँ किससे बोल रहे हैं? मैं तुम्हारी दादी से बोल रहा हूँ। दादी मतलब वैसे बूढ़ी नहीं है, दांत तो बिल्कुल सही सलामत है उसके। अच्छा, और बाल सफेद है या नहीं? बाल काफी पक गए हैं। किसके? मेरे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? टाइम पास, तुम दादी बन गई। किसकी दादी? पर आप कौन? मैं तेरा दादा हूँ। दादा? कितने मजे की बात है। कैसा मजा? आज से मेरे दो दो दादा हो गए। दो दो दादा हो गए। अच्छा सुन, तू मेरा फोन नंबर लिखेगी? क्या है? तू लिख तो सही। 395758। अच्छा, अब तेरा फोन नंबर क्या है बता? 585352। 585352। अच्छा शर्मिला, आप सुन, तू रोज दोपहर को एक बार मुझे फोन करना। क्यों? अरे वैसे ही जरा मजा रहेगा। इसमें मजा कैसा? अरे मैं तेरा दादा हूं ना। हां देख, मैं ठहरा बूढ़ा और घर में कोई बच्चा भी नहीं है बात करने के लिए, और किसी से बात करने को जी बहुत चाहता है, तो तू फोन करेगी ना? हाँ। किससे बातें कर रही है? रॉन्ग नंबर से। फोन रख दे,
हेलो 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 कौन थी? एक बहुत प्यारी बच्ची थी, शर्मिला दीक्षित। कहते तो ऐसे हैं जैसे आंखों से देख ली। आवाज से सुंदरता का पता नहीं चलता क्या? तुम तो कुछ समझती ही नहीं। उम्र कितनी थी? होगी यही कुछ 8-10 साल की होगी। तेरे की? क्यों? मैंने समझे शादी के लायक है और दीनू के लिए जान पहचान बढ़ा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो अभी बच्ची है। उसे बात करते हुए ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने पोते से ही बात कर रहा हूँ, दीनू की बेटी से। दीनू की शादी अगर 20वें साल में हो जाती ना तो उसकी बेटी इतनी ही बड़ी होती। बेटी क्यों, अच्छा भला बेटा होता? दो दो बेटे सता रहे हैं फिर भी बेटों का चाव नहीं गया तुम्हारा। शर्मिला को एक दिन यहाँ लाना चाहिए। दूसरों के बच्चे हम कैसे ला सकते हैं? अरे लाने का मतलब रखना थोड़ी ही है। आएगी, घंटा दो घंटा खेलेगी, खा पी के चली आएगी। लाएगा कौन? आपसे तो जीना चढ़ा उतरा नहीं जाता, घुटने दुखते हैं। फिर भी मैं यहाँ उसे लाऊंगा जरूर। पता पूछ लिया? उसी वक्त पूछना चाहिए था, आपको तो हर बात की जल्दी होती है। ठहर, मैं अभी फोन करके पूछ लेता हूँ। हेलो, शर्मिला है क्या? कौन शर्मिला? शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर यहाँ कहाँ? नहीं नहीं, वो शर्मिला दीक्षित। आप कौन हैं? मैं उसका दादा हूँ। आप उसके दादा कहाँ? मैं उसका दादा हूँ। क्या हुआ? अरे उसके दादा ने ही फोन उठा लिया। अच्छा, क्या बोले? बोलने लगे, आप उसके दादा कैसे हो सकते हैं, मैं उसका दादा हूँ। महीना बीत गया, सारा सामान जो पत्तियों पड़ा है खत्म हो भी तो कैसे, खाने वाला कौन है यहाँ? किसकी है? दीनू की है क्या? नंदू की लगती है। अच्छा, वो अमरीका का लिफाफा तो दूसरे तरह का होता है ना। ओ, दीनू की चिट्ठी है, कितने दिन हो गए? एग्जैक्टली 15 दिन हो गए। इस बार उसकी चिट्ठी आने में बहुत देर होगी, आप आज ही उसे फोन कीजिए, पता तो चले क्या बात है। अब ये पढूं? हाँ पढ़िए पढ़िए। वो गुजिया भेजी थी, पता नहीं उसने खाई कि नहीं। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका 2 दिन पहले पत्र और गुजियों का पार्सल मिला। गुजिये बहुत स्वादिष्ट थे, यहाँ हम सबको बहुत पसंद आए और दोस्तों ने एक ही बार में सब खत्म कर दिए। मेरे हिस्से में ज्यादा नहीं आए। पागल है वो भी, गुजियों का डिब्बा दोस्तों के सामने रखने की क्या जरूरत थी, कमरे में छिपा कर खा नहीं सकता था। माँ की आदत बेटे में नहीं आई ना। हाँ, पर नानी से कहिए कि वे परेशान न हो और अब यहाँ और गुजिये ना भेजे। मैं अगले महीने छुट्टी पर आ रहा हूँ, तभी जी भर कर खा जाऊंगा। गुजिया तो उसकी जान है और दीनू की मीठी रोटी। अमेरिका में ये सब कौन बनाकर खिलाता होगा उसे? हाँ, न्यूयॉर्क से दीनू का पत्र आया है, वो वहाँ ठीक ठाक है। इसके बाद 2 लाइनें लिखकर काट दी हैं, पता नहीं दीनू के बारे में क्या लिखा था, लिखकर काट दी हैं। ध्यान से देखिए, शायद पढ़ा जाए।
लाई, मैं पढ़ती हूँ लाई। तुम ज्यादा होशियार हो ना, लो पढ़ लो। एक अक्षर भी समझ में नहीं आता। मैं पढ़ लेती हूँ। दीनू की तबीयत के बारे में लिखा होगा। दीनू की शादी के बारे में लिखा होगा। हमारा दीनू हमें बताए बिना ऐसा नहीं करने वाला। आज ही आप उसे फोन कीजिए, रात को। अभी क्यों नहीं करते? नहीं नहीं, रात को ही करेंगे। आसानी से मिलता है रात को, और फिर सुनाई भी साफ देता है। फोन करना याद रखिए, नहीं तो भूल जाएंगे रात तक। और नंदू को भी चिट्ठी लिखिए, अभी लिखिए। कहना छुट्टी पर आते समय रेल से आना, हवाई जहाज से नहीं। लो। जी नमस्ते। आइए। आप दीक्षित तो यहीं पर रहते हैं? जी नहीं, मैं जोशी हूँ। ओह, आई एम सॉरी। अरे नहीं, कोई बात नहीं, आइए ना आप अंदर आइए ना। जी बैठिए ना, बैठिए बैठिए बैठिए। जी मैं आपको खामखा तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं सब लोग दीक्षित यहाँ पे रहते हैं। कौन दीक्षित? अरे वो अपने वो होंगे, वो तो विलेन कर है ना। नहीं जी, सी बी दीक्षित, जयमंगल। जयमंगल बिल्डिंग में ही है। हाँ जी, जयमंगल नंबर 3। जी नहीं, वो ये जयमंगल नंबर 1 है, नंबर 3 सड़क के उस पार है। हाँ। ओह, सॉरी। अरे नहीं कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए। वो ये दीक्षित आपके रिश्तेदार हैं? नहीं जी नहीं, उन्होंने इश्तेहार दिया था पेपर में पेइंग गेस्ट की जगह। अच्छा, मैं भी उन्हें नहीं जानता। यहाँ तो पड़ोस में भी कोई किसी को नहीं जानता। खैर, पेइंग गेस्ट कौन है? मैं, मुझे ही रहने के लिए जगह चाहिए। अच्छा, तुम्हारा नाम? विनय, विनय खेर। खेर? अरे हाँ, एक खेर थे हमारे, वो रेलवे ऑडिट में थे 1940 के आसपास थे। जी नहीं, हमारा कोई कभी रेलवे में नहीं रहा। नहीं रहा कोई? अच्छा, तो आपके माता पिता कहाँ हैं? वो बेलगाम है, कर्नाटक में। वहाँ हमारी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं MBBS पढ़ रहा हूँ, फाइनल ईयर। अच्छा, तो फिर डॉक्टर होने के बाद क्या अमेरिका जाने का इरादा है क्या? जी नहीं, देखूंगा यहीं कुछ करूँ। क्यों, वहाँ क्या रखा है? मुझे अमेरिका अमेरिका का कोई क्रेज नहीं है। अरे वाह, बहुत खूब। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय, वेरी प्राउड ऑफ यू। हाँ, क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं। अरे आजकल हर कोई उठ के लंदन चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, जर्मनी चला जाता है, और फिर वहीं जाके बसता है। इस तरह सब वहीं जाके बसने लगे तो हमारे देश का क्या होगा? आखिर हमें अपने देश को ऊपर उठाने के बारे में कुछ सोचना ही चाहिए। यू आर राइट माई बॉय, यू आर एब्सोल्यूटली राइट। अमरीका मत जाओ, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी, या हो सके तो अपना क्लिनिक खोल लो। अगर क्लिनिक खोलोगे ना तो और भी कईयों को नौकरी दे सकोगे, बहुत पैसा कमा लोगे यहाँ। हाँ नहीं नहीं, वहां जाओ, जाकर सीखो बेशक, लेकिन आकर बसो अपने देश में। ये क्या है, बच्चे अमरीका में बैठ के मौज उड़ा रहे हैं और यहाँ बूढ़े माँ बाप अकेले मौत का इंतजार कर रहे हैं। जिंदगी में छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो जाना पड़ता है। आपके बच्चे कहाँ हैं? हाँ, वो मेरा छोटा बेटा आर्मी में है, कश्मीर में पोस्टेड है, और बड़ा बेटा अमेरिका में डॉक्टर है। अमेरिका में किस जगह? वो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। 8 साल से वही है। वापस नहीं आएगा? अरे वापस क्यों नहीं आएगा, वापस जरूर आएगा, सारी उम्र वहां थोड़े ही रहेगा, हमारा बड़ा बेटा है, वापस तो उसे आना ही होगा। अच्छा, तुम कितने भाई बहन हो? जी हम 2 हैं, मैं और मेरी छोटी बहन। अरे वाह, ये आपने चाय की क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ काहे की, चाय पीते हो ना, नहीं तो काफी बना। नहीं नहीं नहीं, चाय बिल्कुल ठीक। क्या चाय बनी है? रुको रुको, मैं गुजिया लाती हूँ।
गुजिया अच्छी लगती है ना? जी, मुझे गुजिया तो बेहद पसंद है, मेरी माँ भी बनाती है। हमारा जो छोटा बेटा है ना नंदू, जो कश्मीर में है, तुम जानते हो उसे? जी नहीं, आप ही ने तो अभी बताया था। हाँ। गुजिया तो उसकी जान है। हाँ। मैं लाती हूँ तुम्हारे लिए, अभी लाई। हाँ, इस घर में तो बस हम दो ही हैं और हमें तो ये घर खाने को दौड़ता है। अरे, इंसान जिंदगी भर मर मर कर मेहनत करता है, अपने बच्चों को बुढ़ापे के लिए एक बीमा समझता है, खुशियों का बीमा। दिल चाहता है बच्चे भी बड़े हो जाए, उनकी शादियां हो जाए, उनके भी बच्चे हों, वो अपने दादा दादी से खेले, जिद करें, मस्ती करें। वो एक कली होती है ना, वो कैसे धीरे धीरे पंखुड़ी दर पंखुड़ी खिलकर फूल बन जाती है। दिल चाहता है अपने परिवार का फूल भी उसी तरह अपनी आंखों के सामने खिल जाए। लेकिन गुजिया बनाना आसान नहीं है, ये कोई नमक पारे नहीं जो काटे और घी में डाले। इसलिए कोई मन से खाए, मांग मांग कर खाए तो अच्छा लगता है, लगता है बनना सफल हो गया। यहाँ कोई नहीं है खाने वाला, कैसी लगी? जी बहुत अच्छा, एकदम खस्ता बनी है। तो लो ना, और लो। जी। कुछ दिन पहले मैंने एक डिब्बा भर अपने नंदू को भेजी थी, उसके दोस्तों को इतनी अच्छी लगी कि एक दिन में सारे चट कर गए। अच्छा है, चार जनों ने खाई तो सही और आज तूने भी खाई। ये सब आजकल हमें पछता नहीं। हाँ, हमारे लिए तो सिर्फ दाल चावल और दही। और चाहिए? नहीं जी, बस नहीं, वैसे बनी है बहुत अच्छी। तो थोड़ी चाय ले लो। नहीं बस अब ले लो ना, वो गुजिया उठा लो, अभी लाए, तैयार है। तुम तो सोच रहे होंगे कि जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। आए थे दीक्षित का पता पूछने, और यहाँ क्या है कि बात करने के लिए कोई नहीं है ना, इसलिए आज जरा ज्यादा बोल रही है। वैसे शुरू से इसकी आदत है ज्यादा बोलने की। किसको ज्यादा बोलने की आदत है? मेरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ। दो, मैं और मेरी छोटी बहन। शादी हुई? मेरी बहन की नहीं, अब तक नहीं हुई। लड़के देख रहे हैं, कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो। उम्र कितनी है? 23 साल। हमारा दिनू भी शादी लायक है। वो तो अमेरिका में है, अब आने ही वाला है। दिखने में तुम्हारी जैसी है? नहीं, मुझसे अच्छी है। तो फिर हमारे दिनू के लिए ठीक रहेगी। आप रात को फोन करने वाले हैं ना दिनू को, तो इस बात का भी जिक्र करना। हाँ। तुम पेइंग गेस्ट होकर रहने आए हो ना? कहाँ? वो दीक्षित के यहाँ। कौन दीक्षित? तू जरा चुप रहना। तुम पेइंग गेस्ट बनना चाहते हो ना? जी हाँ, लेकिन पहले जगह वगैरह देखूंगा बाद में। अच्छा, वहाँ तुम्हें क्या क्या मिलेगा? यही सुबह का चाय, नाश्ता, नहाने के लिए गर्म पानी, बस। और पैसे कितने देने पड़ेंगे? पता नहीं, 100-150 या उससे भी ज्यादा। बाप रे, देखो महंगाई कितनी बढ़ गई है। जब दीनू हॉस्टल में था तो दोनों वक्त का खाना 70 रुपए में मिलता था, और ऊपर से इतवार का स्पेशल खाना। देखो, तुम यही क्यों नहीं रह जाते? हाँ, ब्रेकफास्ट, दोनों वक्त का खाना, रात का दूध, वो भी बादाम वाला। आजकल बादाम केसर पिसा पिसाया मिलता है, दूध में डालो, दूध तैयार। पहले ये चीज नहीं थी, वो तो बादाम छीलो, दूध में उबालो, फिर केसर लाओ, वो गरम। तू 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 जरा रुक, और देखो तुम इस सब के लिए एक पैसा भी मत देना। मुफ्त? एकदम मुफ्त। पर इससे आपको क्या फायदा? वैसा फायदा नहीं चाहिए हमें। तू आने से घर में रौनक आ जाएगी, तू हमारा तीसरा बेटा। तू 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 जरा रुक। देखो बेटे, तुम जैसा ब्राइट लड़का जिसे विदेश जाने की इच्छा नहीं है, और इतना मीठा तेरा स्वभाव, हाँ, तुम जब कल बड़े डॉक्टर बन जाओगे तो हम गर्व से कह सकेंगे कि ये यहाँ रहकर पढ़ा था। और बेटा, हमारा बुढ़ापा,
हमें से किसी ने भी कभी आंखें मीच ली तो चार लोगों को इकट्ठा करने वाला तो कोई चाहिए ना। अभी तो चुप भी रहेगी, अभी हम नहीं मर रहे हैं, हमारी समस्या अभी जीने की है, मरने की नहीं है। मौत का क्या भरोसा, तू बीच बीच में मत बोला करना। हाँ बेटे, आपके पास जगह कितनी है? जगह बहुत बड़ी है, ये हाँ। बड़ा हॉल है, एक हमारा बेडरूम है और एक नंदू और दीनू का बेडरूम है, वो तुम ले सकते हो। हम इतनी जगह लेके करेंगे क्या? और जब नंदू और दीनू वापस आ जाएंगे ना तो तुम यहाँ हॉल में आकर सो जाया करना, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और नानी तुम्हें बहुत बढ़िया खाना बनाकर खिलाएगी। तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सिर्फ इतना बताना बस, यहाँ कहने वाला ही कोई नहीं है। अच्छा मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुन बेटे, चलता हूँ नहीं कहते, कहना चाहिए फिर आता हूँ। अच्छा फिर आता हूँ। अब इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर ठहरो ना। नहीं अब बहुत देर हो चुकी, मैं फिर आऊंगा। अच्छा, अच्छा। तो फिर कल ही आ जाना जी। हाँ हमारा टेलीफोन नंबर लिख लिया? नहीं तो लिख लो ना, लिख लो। यहाँ तुम्हें फोन का भी आराम है, जिसको मर्जी कर लो। 3957 58 जरूर फोन कर देना, वरना खुद ही चले आना, थोड़ी देर गप्पे मारेंगे। अच्छा नानी मैं फिर आऊंगा। अच्छा अच्छा आ जाना, जरूर आ तो उसे दामाद बना लेता मैं। चलो उसकी बहन को बहू बना लेंगे, बस दिखने में अच्छी हो, दहेज वहेज कुछ नहीं लेंगे, पर शादी शान से करेंगे। ये साड़ी शादी में एक बार मैं पहनूंगी, फिर दिनू की बहू को दे दूंगी, और ये नंदू की बहू को, और ये सबको देते देते सास के तन पर भी कुछ बचेगा कि नहीं? बचपन आ गया नहीं आपका? विनय यहाँ रहने लगे तो उसके सामने से अनाप शनाप मत बोलिएगा। उसे आने तो दो, तूने तो उसे पहले ही डरा दिया अपने मरने की बात करके। वो यहाँ जरूर आएगा, बहुत लायक लड़का है, कहता है डॉक्टर बनने के बाद विलायत नहीं जाऊंगा, क्या रखा है वहाँ। और एक अपना दीनू है। दीनू भी ऐसा ही था, नौकरी छोड़कर जाने को कहाँ राजी था। यानी मैंने उसे जबरदस्ती भेज दिया। झूठ है क्या? अरे सुना तूने, बारात आ रही है। बारात आ रही है? हाँ। किसकी? तेरी। आज बड़े रंग में आए हो। एक चलना देखेंगे, हम बारात में शामिल हो जाएं। आप भी बच्चों जैसी बात कर रहे हैं। क्यों? न जाने किसकी बारात है। अरे किसी की भी हो, हम घुस जाएंगे। ऐसे ही? ऐसे ही क्यों, तू वो जरी वाली ओढ़नी ओढ़ ले, नथ डाल ले, मैं भी देखूं तू दीनू की शादी में कैसी लगेगी। फिर नीचे उतरेंगे। हाँ? आप सीढ़ियां उतर सकेंगे? तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे तू उतर पाएगी। ये चल ना बालकनी से देखेंगे, तू तैयार हो जा, चल।
जब बालकनी से ही देखना है तो तैयार होने का क्या फायदा? तू रहेगी वैसी ही बागड़न में। अरे भारत में शामिल नहीं हो सकते तो शामिल होने का सुख तो ले ले। तू जरा समझने की कोशिश करना, इसी तरह जिंदगी में जरा रंगीनी आ जाती है। चल 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 चल। आई बाबा अभी तैयार होते। आ रहे आ रहे। तू चल ना, बारात पास आ रही है। रथ रह गई थी ना। क्या देख रहे? लगता है तू ही मंडप में बैठने वाली है। आप भी क्या देख रहे हैं? एकदम दूल्हा जैसे, सिर्फ साफा बाकी है। मुझे तो लगा अपना दिनू ही घोड़ी पर बैठा है। तेरा दिनू घोड़ी पर बैठेगा? जरूर बैठेगा, बैठेगा। बारात भी ऐसे ही निकलेगी। जरूर निकलेगी। अच्छा अब तो अंदर जाके कपड़े बदल के आ। अच्छा आप भी ऐसे हैं, दो मिनटों के लिए साज श्रृंगार करने के लिए कहा मुझे, ये पहनो वो पहनो वो पहनो। तो फिर छोड़ दो, कुछ भी मत पहनो, जरूरत क्या है। सठिया गए हो, बहुत मजाक हुआ। इस समय कौन आया होगा? ठहर मैं देखता हूँ। यस नमस्ते, माय नेम इज रिचर्ड, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ। न्यूयॉर्क से आ रहे हैं? आइए ना, आइए। हाँ थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। आप लोग कहीं बाहर जाता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। फिर कहीं बाहर से अंदर आता है? हाँ हाँ हाँ। बैठिए थैंक यू। ये न्यूयॉर्क से आए हैं, हमारा दिनों मिला था। जी कैसा? अच्छा है, और उसका नौकरी भी बहुत अच्छा चलता है। यहाँ आने के बारे में कुछ बोला? अभी तो नहीं, लेकिन आएगा जरूर, जरूर आएगा। हाँ ये तो वो 8 साल से कह रहा है। आप भी वहाँ डॉक्टर हैं? No, I'm not a doctor. मैं भारत की कल्चर और फिलॉसफी के बारे में रिसर्च करने के वास्ते इधर आया है, और कुछ साल तक यहीं रुकेगा, शायद हमेशा के लिए। इसलिए मैं भारत का भाषा सीखता हूँ और भारत का लिटरेचर भी पढ़ता हूँ। दिनू यहाँ क्यों नहीं आता? उसकी नौकरी का मामला है। नौकरी तो उसे यहाँ भी मिल सकती है, आखिर पहले भी तो कर रहा था ना। यहाँ आदमी को मेहनत का पूरा पैसा नहीं मिलता है। इस देश का कल्चर बहुत रिच है, लेकिन पैसे के मामले में अभी भी गरीब है। हम बुढ़ापे में किसका मुंह देखकर जिए? आप भी ठीक कहती है, लेकिन वो भी क्या करें? आप दोनों का अपना अपना प्रॉब्लम है, एंड देयर इज नो सोल्यूशन। अरे सोल्यूशन कैसे नहीं है, सोल्यूशन जरूर है। अगर मेरा बस चले तो मैं किसी भी नौजवान को देश के बाहर नहीं जाने दूंगा। अब बेखर अपना खून मत जलाइए। उसकी तबीयत कैसी है? अच्छा है,
बहुत अच्छा है। आज ही उसे फोन कीजिए, उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखी है हमने। किसके लिए? अपने दिनों के लिए। लेकिन उसने तो शादी कर ली है, पूरा साल भर हो गया। हमारे लिए कोई संदेश दिया उसने? नहीं, कोई मैसेज तो नहीं भेजा, पर आप लोगों के वास्ते ये पैसा भेजा। कुछ मुंह उठा कर लीजिए। मेरा पेट बहुत खराब है आज। पेट कैसे खराब हो गया? आज तो खाया ही नहीं। अरे खाया कैसे नहीं, इतना मोटा परोठा जो ठूसा है। वो अजवाइन का परोठा था, उससे बदहजमी नहीं होगी। ये कोई बात हुई? एक कप दूध पियो और सो जाओ। अरे लेकिन मुझे पचता नहीं है, दूध तक नहीं पचता। तो कमरे में चक्कर लगाइए, पच जाएगा सब कुछ। जब देखो तब अखबार लिए बैठे रहते हो। जाइए ना, चक्कर लगा दी। उठी उठी। अरे उठकर करूंगा क्या? चक्कर लगाइए, खाना पच जाएगा। चक्कर लगा रहा हूं लेकिन एक बात तुझे कह देता हूं कि मैं पेट में दाना तक नहीं डालूंगा, मेरा पेट फट जाएगा। तू जिद मत कर मुझसे। सूजी भुजी हलवा बना देती हूँ, थोड़ा सा खा लेना। ये कोई बात है? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा क्या मतलब? मैं सब समझती हूँ। जब से दिनू की शादी की खबर आई है तब से आपने जैसे खाना छोड़ दिया है। इतना क्यों मन को लगाते हो? अरे तुझसे किसने कहा मैं मन को लगाता हूँ? मैं क्या समझती नहीं? वैसे ज्यादा बुरा मुझे लगना चाहिए पर मुझ में बड़ा धीरज है। बड़ी आई धीरज वाली, जैसे मैं देखता ही नहीं, दिन रात तो रोती रहती है। रोती मैं इसलिए नहीं कि उसने वहां की लड़की से शादी कर ली, बल्कि इसलिए कि उसने हमें इस काबिल भी नहीं समझा कि हमें खबर ही दे देता, हम क्या रुकवा देते। कम से कम मन को तसल्ली तो रहती कि समय से खबर दे दिया हमें, ऐसे गैरों से खबर नहीं सुननी पड़ती। तू रो मत,
हमने तय किया था ना कि दीनू की शादी की बात बार बार नहीं करेंगे। हाँ? मैं कहाँ बात कर रही हूँ, उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली, हमारा क्या, हम कौन सारी उम्र बैठे रहेंगे। ये क्या कर रही है तू? झाड़ू लगा रही हूँ। क्यों, माधो नहीं आएगा? वो तो आएगा लेकिन झाड़ू अच्छी तरह से नहीं लगाता, धूल जो की त्यों रहती है। चल चल, रात दिन रसोई में खपती रहती है, कहीं कमर दुखने लगे तो फिर मुझे ही सारे काम करने पड़ेंगे ना। ला झाड़ू मुझे दे दे, देख तुम्हें कैसा कमरा साफ करता हूँ। कर लिया आपने कमरा साफ? अरे याद है ना, मैं मायके चली जाती थी तो घर को कबाड़ी खाना बना देते थे आप। अरे तब और भी काम थे मुझे। अरे ला तू हट, हट यहाँ से हट, अब तो वक्त काटे भी नहीं कटता। साला एकदम उज्जड़ है। क्यों, क्या हुआ? अरे झाड़ू इतनी जोर से खींची है कंबख्त ने, एक थप्पड़ जड़ देता। अगर मुझे मालूम होता कि ये झाड़ू मेरे हाथ से खींचने वाला है तो मैं ऐसे कस के पकड़ता झाड़ू कि साले का बाप भी नहीं खींच पाता। अब तू क्यों हंस रही है? ना जाने तुझे इतनी हंसी क्यों आती है, जब देखो हंसना शुरू करती है। काशी स्टेशन की बात याद आ गई। कौन सी बात? जब आपके हाथ से थैली खींचकर चोर भागा था तब भी आपने यही कहा था। हाँ। कि अगर पहले पता होता खींचेगा तो ऐसी कस के पकड़। हंस हंस हंस, तो हंस, तुझे सिर्फ मजाक सूझता है। वैसे था ही का यार, थैली में क्या था? 10-10 के 6 नोट थे, 60 रुपए। तो फिर क्या हुआ, वो तू अपने मायके से लाई थी क्या? मेरे मायके का नाम लेना जरूरी नहीं है। अब क्यों चुप हो गए? तू अकेली काफी है जबान लड़ाने को, जब तेरे मायके की बात हो रही है। सारे जापे मायके में ही हुए मेरे। हाँ याद आ गया। अब क्या याद आया? अरे इस माधव की औरत को इन्हीं दिनों बच्चा होने वाला है, जरा बुलाइए उसे। तुझे तो सबका ध्यान रहता है। माधव, अरे ओ माधव, गांव से कुछ चिट्ठी आई? औरत को कुछ हुआ? कब होगा? ओ 2 दिन बाद। 2 महीने बाद? हाँ हाँ, 2 साल बाद। चल जा अंदर जा। इसे बच्चे के कुछ कपड़े देने चाहिए। हाँ, लेकिन इतने छोटे कपड़े हैं तेरे पास? हाँ बहुत है। दिनों के बच्चे होंगे सोच सोच कर सीकर रखती थी मैं, पर अब दिनों के बच्चे यहाँ के सिए कपड़े थोड़े ही पहनेंगे। तुम सभी कपड़े माधो के बच्चे के लिए दे दो। सारे क्यों दे दूं? नंदू के बच्चे पहनेंगे, और नंदू के बच्चे नंदू पर गए तो देखना मिनट मिनट पर बिस्तर गीला करेंगे। पर भूल कर भी दीनू के सर मत थोप देना ये कपड़े। अरे मैं क्यों थोपने लगी उसके सर? परसों जब दीनू का फोन आया तब क्या कह रही थी उससे? है? कुछ भी तो नहीं। अब मेरा बच्चा इतनी दूर से फोन करे तो उसे बात भी ना करो, हद हो गई आपकी। अरे बातें जितनी मर्जी कर, पर पूछ क्या रही थी उससे? पूछ रही थी कब आएगा यहाँ, क्या ये भी नहीं पूछना था? पर भेजने को क्या कह रही थी उससे? बहू के लिए मंगलसूत्र पूछा, तो क्या हर्ज हुआ? हाँ,
बहू जरूर तेरा दिया हुआ मंगलसूत्र पहनेगी। बात तो की नहीं तुझसे टेलीफोन पर? मुझे अंग्रेजी कहाँ आती है जो मुझसे बात करेगी। पर मुझे तो आती है। रहने दीजिए, बच्चों के साथ इतना मान अपमान ठीक नहीं। खफा मत होइए। पर मैं कहाँ खफा हूँ, और खफा हूँ तो भी किस लिए? बच्चों को जन्म दिया, शिक्षा दी, पंख दिए, अब वो उड़ेंगे ही, और उड़ने दो, वो हमें सुख देंगे ये सोचना भी भूल है। सुनिए, नींद की गोलियां खत्म हुई है ना? अरे हाँ, अच्छा याद दिलाया, माधव ठहरो। देखो ये पर्चा केमिस्ट के पास लेके जाना और नींद की गोलियां लेते आना, ये पैसे लो। हेलो, कौन है भाई, बोलो। हेलो, चिल्ला चिल्ला। किसे फोन कर रहे थे? अरे शर्मिला को, उधर घंटी बजी नहीं कि उसका दादा हाजिर। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है, कौन बात कर रहा है? तुम्हारा दादा बात कर रहा है, लगता है मिलिट्री में होगा, फोन पर भी हुकूमत करता है। अपनी पोती का ख्याल तो रहेगा ही। अरे ख्याल रखने की क्या बात है उसमें, मैं उसे भगाकर थोड़ी ले जा रहा हूं। किसी का क्या पता। यहां भी आसी। ठहरिए, मैं नंबर मिला के देती हूं। हाँ, मिलाओ। नंबर याद है? 585352। मालूम है। हेलो शर्मिला। हाँ, आप कौन? मैं तेरी दादी बोल रही हूँ। कौन सी दादी? वो तुझे फोन करते हैं ना, तेरे दादा। अच्छा अच्छा, वो रॉन्ग नंबर वाले। हाँ। यानी कि आप मेरी रॉन्ग नंबर वाली दादी हैं। शैतान लड़की दादी से मजाक करती है। स्कूल नहीं गए आज? अभी जा रही थी। दादाजी क्या कर रहे हैं? देती हूँ, है यही खड़े हैं। दे, मीटिंग से। हाँ बोल शर्मिला टैगोर। टैगोर नहीं, दीक्षित। अरे मुझे सब कुछ मालूम है, मैं जरा मजाक कर रहा था। दादाजी नंदू भैया आ गए? नहीं, वो इसी हफ्ते आ जाएंगे। जब वो आएंगे तो मुझे जरूर फोन करना। क्यों, कुछ काम है उसे? हाँ, मुझे उनको आर्मी की ड्रेस में देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर देख जरूर देख। किससे बातें कर रही है? किसी से नहीं। बाप रे, अब क्या हुआ? होगा क्या, उसका वो बूढ़ा दादा, जब भी मैं और शर्मिला बात कर रहे होते हैं, पता नहीं ये बूढ़ा बीच में क्यों टपक पड़ता है। उसे तो बूढ़ा ऐसे कह रहे हो जैसे खुद 16 साल के हो। बस चुप रहे। लेकिन मैंने उसे फोन मिला कर दिया था। हाँ, बड़ा एहसान किया था मुझ पर। तुम तो खुद जानना चाहती थी कि फोन पर कौन बात कर रहा है, स्कूल जाने वाली लड़की या कोई बड़ी औरत। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जलने की आदत है तेरी, तू बूढ़ी हो गई लेकिन अभी तक गई नहीं। क्यों नानी, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, बहुत दिनों के बाद आया रे तू। जी। अंदर। देखिए विनय आए हैं। आजकल कहाँ रह रहे हो? मेरे दूर के रिश्ते के एक मामा रहते हैं यहाँ। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा जब मैं ही आऊँ तो तू और कहीं जाके क्यों रहेगा। हाँ वो ठीक है, वैसे आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे कोई बात नहीं, मिलने चले आया करना। हाँ
तो क्या खबर है? उस दिन आप कह रही थी ना? क्या? मैंने मेरे पिताजी को चिट्ठी लिख दी है मेरी छोटी बहन कुमुद के बारे में। आपका बड़ा लड़का? बड़ा नहीं, छोटा। क्यों, बड़े की शादी कहीं तय हो गई? उसकी तो शादी भी हो गई। नाना, आपने मुझे बताया नहीं। तू अभी तक मुझे बच्चा कहती है? अरे मेरे लिए तो तू बच्चा ही है। अब तो मेरे बच्चे होने का वक्त आ गया है। कोई गड़बड़ है? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। दिनू, अब तुझे यहाँ आ जाना चाहिए। बहुत रह लिया अमेरिका, आखिर हम किसका मुंह देखकर यहाँ दिन काटेंगे? अभी जंग भी शुरू हो गई। हमारे जी का दुख समझ ले रहे, हमें कौन से पाप किए थे? मामी, तू रो क्यों रही है? तू नहीं समझेगा, तेरा दिल पत्थर बन गया है। मम्मी प्लीज रो मत। तेरे आने तक ये आंखें आंसू बहाती रहेगी। मैं आऊंगा मामी, आखिर एक ना एक दिन तो मुझे आना ही है। ये तो तू 8 साल से बोल रहा है। नहीं सच, जल्दी आऊंगा। मुझे भी आप दोनों से मिलने का दिल चाहता है। क्या सच? फिर से बोल। हाँ मामी, सच कह रहा हूँ। पापा से और तुमसे मिलने को दिल बहुत चाहता है। चल, मुंह से कहा तो चाहे झूठ ही कहा हो, पर हमारे लिए बहुत है। आज की रात आराम से सो सकूंगी। अच्छा, अब फोन रखूं? ठीक है, जल्दी आने की कोशिश करना। खुश रहो। क्या क्या कह रहा था? कहता था आपसे मिलने को मन करता है। सच? ऐसा कह रहा था? ऐसा ही कह रहा था। चलो, आज रात तो नींद अच्छी आएगी। जरा गीता पढ़ेंगे। जहाँ प्रवृत्तियां पंगु होती, तर्क दृष्टि अंधी होती, इंद्रियां सब भूल जाती विषय संग, मिटता ममत्व मन का और शब्दत्व शब्द का, जिसमें मिलता ज्ञान का गेम। आज हमारे विमानों ने शत्रु के सैनिक ठिकानों पर जोरदार हमले किए। अनेक स्थानों पर भयानक गोलाबारी की गई, जिसमें दुश्मन के अनेक सैनिक हताहत हुए और उनके 8 विमान गिराए गए। कुछ सुना आपने? नहीं कुछ नहीं, गाना आ रहा था बेसुरी आवाज में। झूठ मत बोलिए। कश्मीर सीमा पर शत्रु के 8 विमानों का खात्मा करके हमारे विमान सही सलामत वापस आ गए। हमारी कोई विशेष हानि नहीं हुई। इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। दूध पीजिए।
हेलो हेलो अरे तू है कहाँ? नंदू है अपना? नहीं विनय। आपकी और नानी की तबीयत कैसी है नाना? अब हम लोगों की तबीयत का क्या है बेटा, बुढ़ापा तो 100 रोगों का रोग होता है। तू आपने सुना, आया नहीं इधर? जी आऊंगा एक दो दिन में। आऊंगा आऊंगा करके उंगली से शहद चटाता रहता है तू। आ चुका, कितने दिन हो गए उसे इधर आए। सुना नानी भी शिकायत कर रही है। सॉरी नाना, कल या परसों आ जाऊंगा। नाना नंदू भैया कब आ रहे हैं? अरे नंदू अब युद्ध खत्म होने से पहले कैसे आ सकता है? लेकिन नाना कुमुद आई हुई है बेलगाम से। तो तू कुमुद को यहाँ ले आना, हम देख लेंगे। नंदू बाद में देख लेगा, पसंद तो आएगी। कल ही लाने के लिए कहना। सुना नानी कल ही बुला रही है, बहू का मुंह देखने की बहुत जल्दी है। संयोग की बात है, पर क्या? उसे कितने दिन रोकूं मैं यहाँ? क्यों, किसी दूसरी जगह दिखाने की बात चल रही है क्या? जी और दो जगह बात चल रही है नाना। ठीक है भाई, मर्जी तुम्हारी। अरे तुम्हारी बहन है, हमारा उस पर क्या हक? हक कैसे नहीं, बहू नहीं बनेगी हमारी। सुना तुमने, नानी कह रही है हक कैसे नहीं, बहू नहीं बनेगी हमारी। और मेरा मन भी यही कहता है विनय कि उसका रिश्ता नंदू के साथ ही होगा। कहिए फिर से फौज में भी नहीं जाएगा? हाँ, वापस आने के बाद वो फिर से फौज में भी नहीं जाएगा, हमारे साथ ही रहेगा, हमने तय कर लिया है। अरे हमारे साथ भी तो कोई चाहिए ना। हाँ बहू की गोद भराई जापे। देखो नानी को बहुत जल्दी है बहू की गोद भराई और जापों की। हाँ हाँ, छोटे छोटे कपड़ों का एक गट्ठा तैयार कर लिया है उसने। अरे हम तो अकेले रह रहकर बोर हो गए हैं, आसपास बच्चे हो, शोर शराबा हो। दूसरों के हाथ का बना खाना खाने की इच्छा होती है। नानी तो दूसरों के हाथ का बना खाने को तरस रही है। तेरी बहन को खाना बनाना आता है ना? बहुत अच्छा, इतना कि उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा तो फिर बात पक्की? देखते हैं संयोग कहाँ जुड़ता है उसका वो। लेकिन जल्दी मत करना, नंदू का इंतजार कर लेना। देखता हूँ नाना, मामा से भी पूछ लेता हूँ। अच्छा फोन रखता हूँ नाना। अच्छा आपने जो कहा सच है। क्या? मुझे भी ऐसे ही लगने लगा है। क्या? विनय की बहन इसी घर में आ जाएगी। मैं भी तो सुनूं अखबार में क्या लिखा है। हाँ? लड़ाई धीरे धीरे एक दूसरा मोड़ ले रही है। मतलब किसी भी पल रुक सकती है या क्या मतलब? या तो शायद भड़क भी सकती है। ऐसा मत कहिए। अरे मेरे कहने सुनने से क्या होता है। अच्छा जाओ, तुम सोने की तैयारी करो, जाओ जाओ। अंत में आप मुख्य समाचार फिर से सुनिए। पिछले 10 दिनों से चली आ रही लड़ाई आज समाप्त घोषित कर दी गई है। अरे अरे सुन लिया तुमने? चलिए लड़ाई खत्म हो गई। सच? अब हमारा नंदू आ जाएगा। मैं भगवान के सामने दिया जला कर आती हूँ।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तो तू ऐसे हड़बड़ाई क्यों? आपको कुछ सुनाई दिया क्या? नंदू की पुकार। नहीं तो? अरे तूने ऐसे ही सुना होगा, नंदू की बात करते करते सोई थी ना, सो जा। अरे अपने बच्चों की आवाज तो हर घड़ी कान में पड़ती है, सो जा। मैं देखता हूँ। नंदू ही होगा। नंदू का ही होगा। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, नंदू आ रहा है ना? कब आ रहा है? क्या लिखा है? हाँ, कब आ रहा है नंदू अपना? बोलिए ना, कुछ बोलिए ना। हाँ, क्या? हाँ, नंदू चला गया। Yeah.
मैंने नंदू को कितना मना किया था कि आर्मी ना ज्वाइन करे, यहाँ अमेरिका आ जाए। इस वक्त हमें मम्मी और पापा के पास होना चाहिए। दादाजी देखिए, रोइएगा नहीं और दादी जी को भी समझा दीजिएगा। बोल नहीं रहे हैं आप? नहीं, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप रोएंगे तो नंदू भैया की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। किससे बातें कर रही है? रॉन्ग नंबर भाई दादाजी से, नंदू भैया लड़ाई में शहीद हो गए। मुझे फोन है। हेलो बेटे, बेटे सर फोन तो लगा। हेलो, हाँ विनय। जी हाँ, मैं विनय। नाना, नाना आपकी और नानी की तबीयत कैसी है? हम तो ठीक ही हैं, तुम अपनी सुनाओ। ठीक हूँ। तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई? नहीं, अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया नाना। तीन अच्छे लड़के हाथ से निकल गए। क्यों? लड़की पसंद है उन्हें पर जन्मपत्री नहीं मिलती। ये सब नसीब की बातें हैं बेटा। इसी कारण आपके घर नहीं आ सका। एक दो दिन में आ जाऊंगा नाना। अच्छा अब रखता हूँ फोन। अच्छा पता नहीं इस लड़की के नसीब में क्या लिखा है। क्या हुआ? होना क्या है, तीन जगह बात चली पर तीनों जगह जन्म पत्री नहीं मिली। सब ठीक हो जाएगा, आप बेकार चिंता मत कीजिए। मेरा मन कहता है नंदू से ही उसके संयोग लिखे थे और वहां तो खेल ही खत्म हो गया। कहीं ना कहीं जरूर रिश्ता हो जाएगा इसका। उसकी पत्री मंगवानी चाहिए। क्यों? नंदू की पत्री से मिलाकर देखना चाहिए। अब इसकी क्या जरूरत? बस अपने मन को तसल्ली देने के लिए। मुझे तो लगता है नंदू की और उसकी पत्री मिल जाए, 36 के 36 गुण मिल जाएंगे। सब कुछ खत्म हुआ है, अब बार बार उसकी बात क्यों करते हैं आप? विनय का फोन आया तो मैं उसे कहूंगा। क्या? कि अगर उसकी शादी कहीं तय नहीं हुई तो हम उसे यहाँ रख लेंगे और बहू की तरह देखभाल करेंगे। दूसरे की लड़की हमारे यहाँ कैसे रहेगी? अरे नंदू अगर एक महीने पहले छुट्टी पर यहाँ आता और शादी करके वापस चला जाता तो क्या उसकी विधवा इस घर में? क्या पागलों की तरह बात कर रहे हैं आप? होश है आपको? मैं पागलों की तरह बात कर रहा हूँ? आप कुछ मत बोलिए, चुपचाप रहिए। जरा लेट भी लीजिए, सुबह होने को आई है, रात भर जागते बीत गई। ये दिनों गया कहाँ?
उसकी फ्लाइट तो 2 बजे की थी, कस्टम में भी इतनी देर नहीं लगती। जरा एयरपोर्ट फोन तो कीजिए ना। अभी फोन किया था, उसकी फ्लाइट तो कब की आ चुकी है। आ जाएगा, जरा आराम तो कीजिए। रात भर जागने जितनी जान कहाँ बची है हमारे शरीर में। अपना नंदू चला गया रे, सब कुछ छोड़ के चला गया। जाने की उम्र हमारी थी, भगवान से इतना भी न्याय ना हुआ कि वो हमें पहले उठाना। हम तो बेमौत मारे हुए थे। कुछ संभाल, संभालो अपने को। नंदू मर नहीं गया है, नंदू अमर हो गया है, वो शहीद हो गया है। बहू को नहीं लाया? लाया, वो होटल में। होटल में क्यों ठहरा है उसे? एयरपोर्ट से सीधे होटल गए थे। इस दुख में पहली बार उसे लाना। She's coming. अब क्या इरादा है? किस बात का? यहाँ नौकरी करने का। क्या अब तक तो तूने इतना पैसा कमा लिया होगा कि अपना नर्सिंग होम भी शुरू कर सकता है? नहीं पापा, अमेरिका में डॉक्टरी करने का मजा ही कुछ और है। नए नए मेथड्स, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई मेडिसिन। तुझे मजा सूझ रहा है और हम? पापा आप तो एक वर्ड पकड़ कर बैठ गए। मजे से मेरा मतलब वो नहीं था। तेरा जो भी मतलब हो बेटा, हमारे लिए बस एक ही अंत है, बुढ़ापे में अकेले घुट घुट कर मर जाना। हाथ पांव तो चलते नहीं है। नौकर है ना, दोनों अकेले एक दूसरे का मुंह देखकर कैसे जिएंगे? तो अच्छा है, इस उम्र में आप लोगों को परेशान कोई करने वाला नहीं है। तू क्या समझेगा, ये तो दिल की बात है। और तू लगा है पैसा बटोरने में। आखिर करेगा क्या तू इतने सारे पैसों का? पैसा तो जितना हो उतना कम है पापा, लेकिन ये सिर्फ पैसे की ही बात नहीं है, वहाँ जॉब सेटिस्फैक्शन है। जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन, तुझे ही चाहिए सब सेटिस्फैक्शन। क्यों इतना गुस्सा करते हैं जी? 8 साल बाद वो आया है, कम से कम उसे 8-9 दिन तो चैन से रहने दीजिए। चाय पिएगा बेटा? नहीं अभी नहीं। बात बड़ी बड़ी, मैं देखता हूँ। माँ, तुम्हारी बहू। देखा आपने, बहू ने पैर छुए। आओ बेटिया। ये बहुत इंप्रेस्ड है हमारे कल्चर से, हमारी फिलॉसफी और हमारी रिलीजन से। चलो अच्छा हुआ, बहू को कुछ तो पसंद आया। कुछ नहीं, बहुत कुछ मम्मी, सभी कुछ। क्या कह रही है? ब्लैक नेकलेस, ब्लैक वन। ओह समझा।
ये मंगलसूत्र मांग रही है। उस दिन आपने फोन पर जिक्र किया था ना? बहू तुम मंगलसूत्र पहनेगी? सब कुछ तुम्हारे लिए है। हाँ मेरे साथ। देख लिया बहू बुलाई है तो क्या मंगलसूत्र पहनेगी? अरे माधो जरा चाय नाश्ता ला, कहाँ रह गया? बहुत बरसों के बाद मेरी रसोई सजी है। दिस ऑमलेट इज स्पेशली फॉर यू। हाँ, वी आर प्योर वेजिटेरियंस, वी डोंट टेक इवन एग्स। थैंक यू। ये क्या इंग्लिश में गिटपिट लगा रखी है? अरे दिनू बहू को हिंदी के चार शब्द तो सिखाता, अपने दिल की बात बहू से कैसे कहूंगी? सीखा टोरा टोरा। अरे बहू मुझसे बोली, आज तो मैंने जैसे चारों धाम की यात्रा कर ली। माधो, ऑमलेट को पराठे की तरह दोनों तरफ से नहीं सेकते। ए, उसे डांट मत। तुम्हारे डांटने फटकरने से कहीं भाग गया तो हम किसी तीसरे आदमी की सूरत देखने को तरस जाएंगे। हद हो गई पापा, वो कुछ गलती करे तो उसे डांटना ही पड़ता है, उससे इतना डरना तो नहीं चाहिए। आखिर वो हमारा नौकर है। वो हमारा सिर्फ नौकर नहीं है रे, तू नहीं समझेगा, ये दिल की बातें हैं। आप जो चाहे करें, कम अब हम चलें। थोड़ी देर और रुक जाए ना। नहीं माँ, कल कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। ये पहली बार यहाँ आएंगे ना, इसे जरा अपना देश घुमा दें। अच्छा अच्छा, घूमने फिरने के दिन है तुम्हारे, लेकिन लौट कर यही आएगा ना? हाँ जरूर। हाँ रात दिन बस अखबार पढ़ते रहते हैं। मुझसे कुछ कहा? और किसको कहूंगी, और कोई है या? क्या कहा? मेरा सर। अरे हुआ क्या? लगातार अखबार पढ़ते रहते हैं। रात को गीता पढ़ने को कहा तो कहते हैं आंखें दुखती है मेरी। अब अखबार पढ़ते वक्त आपकी आंखें नहीं दुखती? अरे पढ़ कौन रहा है, ये पेपर यहाँ पड़ा था, मैंने वैसे ही उठा लिया, बैठे बैठे करूं भी क्या? बोलना चाहिए आदमी को कुछ न कुछ, नहीं तो घर खाने को दौड़ता है। बोलना चाहिए किस विषय पर? किसी भी विषय पर। मुझे तो अब बोलने में भी आलस आता है। मैं बोलता हूं तो तू सुनती है, तू बोलती है तो मैं सुनता हूं। दिन पे दिन, महीने पे महीना, वर्षों पे वर्ष, बोलने और सुनने के लिए और भी तो कोई चाहिए।
दिनों और उसकी बहू का यहाँ आना ना आना बराबर। खैर, बहू को अपना देश भी दिखाना था। वो हमें मिलने नहीं आए हैं, वो तो आए हैं भारत दर्शन के लिए और ठहरे हैं लाट साहब होटल में। बस टहलते हुए कभी कभी आ जाते हैं हमारे पास मेहमानों की तरह। दूसरे देश की लड़की है, सात समुंदर पार से आई है, यहाँ की मशहूर जगह तो दिखानी चाहिए उसे। हाँ जरूर दिखानी चाहिए, सिर्फ हमारा मन नहीं देखना चाहिए। अब बूढ़ों को कौन देखे, सब जवानी में अपनी अपनी मस्ती में रहते हैं। तू उनकी ज्यादा तरफदारी मत कर। हाँ दिनू ने कब आने को कहा था दिल्ली से? आज शाम को। अब शायद उसका मन बदल जाए और वो यही रहना चाहे। तू पागल है? हाँ। बच्चे के प्यार में। दिनू को यहाँ आए कितने दिन हुए, एक दिन भी रहा है हमारे पास? मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, वो यहाँ हमसे मिलने नहीं आया है। तू किसी गलत फहमी में मत रहे। रहने दीजिए, मैंने उसे कहा था, यहाँ बैठे बैठे भी क्या करता। इतने सालों बाद अपना बच्चा दिखाई तो दिया, आपको तो सब्र ही नहीं है। ठीक है ठीक है। अपनी जी को क्यों दुखा रहे हैं, आप आराम से बैठिए, नहीं तो अंदर चलकर लेट जाइए, रात को भी नींद नहीं आती आपको। तू जैसे रात भर चैन की नींद सोती है, हाँ? नींद की गोलियां भी बिल्कुल बेकार है, चार चार लो तो भी नींद नहीं आती। बार बार लगता है कोई मम्मी मम्मी कह के पुकार रहा है। दीनू पुकार चुका तुझे, विनय ने पुकारा होगा, वक्त पड़ने पर वही तो हमारे काम आया है। बहुत भला लड़का है। अरे संभाला है उसने हमें, वरना हम तो ढह चले थे। और एक दीनू है अपना, जिसे सैर सपाटों से फुर्सती नहीं, कहता है कि वक्त बीतने पर जख्म अपने आप भर जाएगा। अंग्रेजी में कहता है, जैसे अंग्रेजी में कहने से जख्म जल्दी भर जाता है। आप जरा जरा सी बात पर क्यों चिढ़ जाते हैं, गुस्से में कहीं दिमाग की कोई नस फट गई तो? अरे फट जाने दो ना, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं आप, मुझे कहीं इन दीवारों के हवाले करके जाएंगे? अब तू अंदर क्यों जा रही है? मैं जानता हूं तू अंदर जाके रोएगी और फिर आंसू पोंछ के बाहर आएगी। को कहा था? क्यों, उसे मीठी रोटी बनाकर खिलानी है क्या? आया भी तो इस दुख में, क्या बनाकर खिलाऊं उसे? लेकिन अभी तक वो आया क्यों नहीं? वो फोन उधर रखा है, होटल पे फोन करके पूछ ले। आप जरा कीजिए ना। मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, उसे आना है तो आ जाएगा। पापा, बहू को नहीं लाया? नहीं, वो थोड़ा आराम करना चाहती थी, और फिर पैकिंग वगैरह भी करनी थी। पैकिंग? कब जा रहा है? कल की फ्लाइट से। कल की फ्लाइट से वापस जा रहा है? कुछ दिन तो और रुकता, हमारा दिल ही नहीं भरा। नहीं नहीं, जाना जरूरी है, लेकिन आप चिंता ना कीजिए, वक्त से पहले ही मैं आपको पैसे भेजता रहूंगा। तुझसे कुछ भी कहो तो पैसे की बात करने लगता है। उस सोने की लंका की ईंटें चाहिए ही किसे? यहाँ जो ईंटें ढह रही है उन्हें देखो,
आखिर आप चाहते क्या है? हमारे चाहने से क्या होता है? हमारी इच्छाओं को पूछता ही कौन है? हम तो शमशान की तरफ मुंह किए बैठे हैं। हमारे दुख दर्द कहने से समझ में नहीं आएंगे बेटा। लेकिन सुनो तो, आप चाहते क्या है? मेरी मान बेटा, पैसा और सुख इसका कोई अंत नहीं है। यहाँ जो मिलता है उसे कबूल कर ले, आखिर ये अपनी मिट्टी है। तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, पर पापा आपको तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? इस देश में धंधा करो कहना बहुत आसान है, सभी कहते हैं, लेकिन धंधा करना आसान है? अरे पर तुम जैसे सब लोग उठकर बाहर चले गए तो हमारा देश ऊपर उठेगा कैसे? गुस्सा ना हो तो एक बात कहूं पापा। बोल। मुझे ये देश अपना नहीं लगता है। यानी? मुझे ये देश उनका लगता है जो हेल्पलेस है या मेरा देश कहकर छाती पीटने वालों का। उनका देश है पापा, मेरा नहीं है। तो हुआ क्या है दिन? क्या हुआ? अरे तू यहाँ पैदा हुआ है, पला बड़ा। मेरे मन पर इन भावुक बातों का कोई असर नहीं होता है। सामने दिखने वाले हालात मुझ पर असर करते हैं। ये देश ढोंगियों का है पापा। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम कुछ बगावत करके दिखाओ ना इन ढोंगियों के खिलाफ। लो टक्कर। सबने सिर्फ एक शिकायत पेटी बना के रखा है इस देश को। सब उठ के अपनी शिकायत डाल देते हैं इसमें। पेटी खोलने की जिम्मेदारी कोई नहीं समझता। सब बहती गंगा में हाथ धोने में लगे हैं। तुम बुजदिल हो दीनू, जो वहां की नरम घास चर रहे हो। अगर कुछ हिम्मत हो तो यहाँ कुछ करके दिखाओ ना। ये सब कहना आसान है पापा, असल में जिम्मेदारी आपकी पीढ़ी की थी। आपको जवानी में आजाद देश हाथ में मिला था, आपकी पीढ़ी को उसको संभालना चाहिए था। पर हुआ क्या, आजादी मिलते ही आप सब इतने मतलबी हो गए और करप्शन इतना फैला कि आज वो जीने का तरीका बन गया है। अरे लेकिन यहाँ यहाँ है क्या? 5 पैसों के टिकट के लिए पोस्ट ऑफिस जाओ तो 5 घंटे खड़े रहो, बैंक में जाओ तो छोटी सी पिन तक चोरी हुए मिलेगी, कहीं टैक्सी से पास जाना हो तो टैक्सी ड्राइवर जाएगा नहीं, दुकान में जाओ तो दुकानदार तमीज से बात नहीं करेगा। सड़कों के नाम हैं सत्य मार्ग और नीति मार्ग। सत्य मार्ग के पोस्ट ऑफिस से पेन चोरी हो जाए और नीति मार्ग की बैंक से पिन चोरी हो जाए, ऐसा सत्य ऐसी नीति मुझे नहीं चाहिए। अरे इसी देश के लिए नंदू ने प्राण दिए। उसका बैड लक, मैंने उसको कितनी बार लिखा कि तू भी अमेरिका आ जा, लेकिन वो भी एक मेरा देश कहकर छाती पीटने वाला था। बस सबसे अकलमंद एक तू ही है। देखिए आप बेकार चिल्लाइए मत, और तू भी जरा ठीक से बात कर इनसे। छोड़िए पापा, इस बहस का कोई फायदा नहीं। नंदू लड़ाई में मारा गया, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको देखने, तसल्ली देने। इस दुख में कड़वाहट किस लिए? हाँ इतना सब तूने कह दिया, वही बहुत है, बहुत है। मुझे दिनों से बात करने दीजिए। दिनों बेटे इनकी बातों को दिल में मत रखना। अरे इसका दिल है कहाँ? अब चुप रहिए। इनका स्वभाव ही कुछ ऐसा हो गया है, बुढ़ापा आ गया है ना तो कुछ ज्यादा ही। नहीं भाभी मैं नाराज नहीं हूं। तो तू यहाँ रहने के बारे में क्या सोच रहा है? यहाँ कैसे रह सकता हूँ? यहाँ मत रह, अलग घर ले ले, कम से कम हमारे नजरों के सामने तो रहेगा। लेकिन मैं यहाँ रहकर करूंगा क्या? वही सारी कहानी दोहरा रही है ना, मुझे मना कर रही थी। मुझ मरी को भी अपने बच्चों के प्रेम के अलावा कुछ समझ नहीं आता, इसलिए भूल करती हूँ। मामी अब पहले वाला जमाना नहीं है, सेवा करनी है का मतलब क्या है? कंधे पर बैंगी रख कर काशी थोड़े ही जाना है। ट्रेन नहीं तो प्लेन का टिकट लेकर जाओ, सिर्फ टिकट के पैसे होने चाहिए। तू नहीं समझेगा, कितने व्रत उपवास रख के तुझे पाया था, किसी स्टेट का वारिस नहीं चाहिए था मुझे, सिर्फ बुढ़ापे की लाठी चाहिए थी।
तो वहां पैसे कमाता है, मस्त रहता है, और यहां तुझे बड़ा करने वाले बूढ़े असहाय माँ बाप कष्ट में किसी न किसी तरह दिन पूरे कर रहे हैं। ऐसा क्यों कहती हैं? मैं तो कहता हूं आप दोनों भी मेरे साथ अमेरिका चलिए, कई बार पहले भी कहा है मगर आप सुनते ही नहीं। अब आखिरी वक्त में अपने देश की मिट्टी को क्या छोड़ेंगे बेटा, यही प्राण निकलेंगे। बस एक ही इच्छा बाकी है, तुम्हारे रहते हमारी आंखें मिट जाएं, ताकि तू हमें मुखाग्नि तो दे सके और जीने की इच्छा नहीं है। प्लीज ऐसा मत कहो मम्मी, प्लीज ऐसा मत कहो। अच्छा मैं चलता हूँ, कल फ्लाइट पर जाने से पहले हम दोनों ही आएंगे, नाश्ते ही करें। अरे अभी तो आया है, जरा पास बैठ, दो बातें तो कर। ऐसा क्या देख रहे हो माँ? तेरा रूप आंखों में भर लो, पता नहीं कहा। ऐसा मत कहो, मैं वापस आऊंगा माँ। तब तक मैं नहीं रहूंगी, पर तू हमारी चिंता मत करना, तू सुखी रहे, हमारा जो होगा देखा जाएगा। भाग्य में लिखा कौन बदल सकता है, देख कल तू यहाँ आ जाना, कहीं उधर से मत चला जा। कैसे चला जाऊंगा, आऊंगा जरूर आऊंगा। अब एक बात सुन मेरी, अब कल कहना। नहीं, रात में हमारा कुछ हो गया तो मन की मन में रह जाएगी। ऐसा मत कहो माँ, तेरे भले की कह रही हूँ रे, देख पैसों के पीछे मारा मारी मत करना, पैसों से सब सुख नहीं मिलते बाबू। तुझे एक बात सुना, लड़का हुआ तो इधर का ही नाम रखना। जरूर। एक ही इच्छा बाकी है, तुम्हारे रहते हमारी आंखें मिट जाएं, ताकि तू हमें मुखाग्नि तो दे सकेगा और जीने की इच्छा नहीं है।
अरे माधो, तुझे लड़का हुआ है। कल चला जाए। चले जाए। जरा ठहर, तेरे बच्चे के लिए कपड़े देती हूँ। कल का क्या भरोसा, आज ही लेके जाना। माधव, तेरे बच्चे के लिए ये सोने की चेन ले, अपने बेटे की कमर में बांध दे, सारी उम्र बंधा रहेगा। लेट जाइए, मैं पैर दबाती हूँ आपके। अरे सारी उम्र तो सेवा ही करती रही, अब रहने दे। यही तो एक सुख मिला है जी। आई हम जन्मों के प्यासे, पुत्र शोक से व्याकुल। हे दशरथ, तू भी भोगे भाग्य के क्रूर हाथों से पुत्र का वियोग। हमंदों की लाठी तूने छीनी, तुझे भी जीना पड़े पुत्र के वियोग में। श्रवण कुमार के बूढ़े माँ बाप ने दशरथ को शाप दिया, हम किसको शाप दे सकते हैं? सब सुखी रहे। Thank you.
सारे ब्राह्मण खाना खा के चले गए। आप लोग कौन सी फ्लाइट से? मैं नहीं जा रहा हूं। I feel the same. हम नहीं जा रहे हैं। सच? बहते समय की धारा, बहते समय की धारा, बहते समय की धारा।